दोस्तों नमस्कार। तो फिर से एक बार आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल मेरी हेल्थ पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे मेट्रो कैंड पोर्ट बोलस के बारे में। मेट्रो कैंड पोर्ट बोलस का उपयोग कब किया जाता है, मेट्रो कैंड पोर्ट बोलस क्या काम करती है, इसके डोसेज क्या रहती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में मत छोड़िए, ताकि आपको भी मेट्रो कैंड पोर्ट बोलस के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो मेट्रो कैंड पोर्ट बोलस वेट मैनकाइंड कंपनी की आती है, 4 बोलस की पैकिंग आती है और 4 बोलस की कीमत 75 रुपये होती है। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो दोस्तों इसमें 3 साल्ट मौजूद होते हैं। तो इसमें एक बोलस में मेट्रोनिडाजोल 1000 mg, फ्यूराजोलिडोन 500 mg और लोपारामाइड हाइड्रोक्लोराइड 7.5 mg की स्ट्रेंथ में शामिल होता है। तो मेट्रो कैंड पोर्ट एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल, एंटी प्रोटोजोअल, एंटी डायरियल बोलस है। इसका उपयोग पशुओं में होने वाले डायरिया और डिसेंट्री यानी कि पेचिस और दस्त को कम करने के लिए किया जाता है। तो पशुओं में डायरिया कई अनेक कारणों से हो सकता है, जैसे कि पशु ने अगर खराब पानी या गंदा पानी पी लिया तो उसकी वजह से पशु पतला गोबर करने लगते हैं। पशुओं के हाथों में अगर इन्फेक्शन हो चुका है तो उसकी वजह से भी पशु पतला गोबर करने लगते हैं। कई बार हमने देखा है कि पशुओं के पेट में अगर कीड़े पड़ चुके हैं तो उसकी वजह से भी पशु जो है पतला गोबर करने लगते हैं। तो इन सभी कंडीशन में ये जो बोलस है मेट्रो कैंड पोर्ट बोलस, इसका उपयोग किया जाता है। तो मेट्रो कैंड पोर्ट बोलस काम कैसे करती है, इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें मौजूद मेट्रोनिडाजोल यह एक एंटीबायोटिक एंटी प्रोटोजोअल मेडिकेशन है। यह बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को मारने का काम करता है। तो इसका उपयोग मुख्य रूप से जीआई इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में अगर इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने के लिए मेट्रोनिडाजोल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद इसमें मौजूद फ्यूराजोलिडोन यह भी एक एंटी बैक्टीरियल एंटी प्रोटोजोअल एजेंट है। यह बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की ग्रोथ को रोकता है। तो इसका उपयोग जीआई इन्फेक्शन और डायरिया डिसीज में किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें मौजूद लोपारामाइड एक प्रकार का एंटी डायरियल मेडिकेशन है। यह इंटेस्टाइन के मूवमेंट को स्लो डाउन कर देता है। तो लोपारामाइड का उपयोग एक्यूट और क्रॉनिक डायरिया को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से मेट्रो कैंड पोर्ट बोलस काम करती है। तो दोस्तों बीमारियों के बारे में अगर बात करें तो इसका उपयोग डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, एंटेराइटिस, जियालिसिस आदि प्रकार की जो बीमारियां है, इन बीमारियों में क्या हो जाता है कि पशु जो है वो पतला गोबर करने लगता है, वाटरी डायरिया पशुओं को लग जाता है। तो उस केस में ये जो बोलस है मेट्रो कैंड पोर्ट पशुओं को दी जाती है। तो आप भी आपके पशुओं को ये बोलस, आपके पशु अगर बार बार पतला गोबर करते हैं तो उनको खिला सकते हैं। अब आखिर में बात करेंगे इसके डोसेज के बारे में। तो इसकी डोसेज रहती है, जो बड़े पशु होते हैं उनको सुबह 2 और शाम को 2 बोलस दी जाती है, छोटे पशुओं को सुबह 1 और शाम को 1 बोलस दी जाती है। ऐसे ही लगातार 3 दिन तक यह बोलस दी जाती है। डॉक्टर के लिखी गई पर्ची के ऊपर आपको यह दवा वेटरनरी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मेट्रो कैंड पोर्ट बोलस के बारे में। वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।